हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2F। कौन से दोस्तों? क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2F मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अब दोस्तों, 2F एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे? निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। क्या दोस्तों? निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। कैसे दोस्तों? अधिकतम घात कितनी है? इसकी अधिकतम घात दोस्तों 2 है। ये आपका बहुपद है। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो यदि आपने इस एक्सरसाइज को सीख लिया, यदि आपने, तो समझ जाएं आपने आधी किताब लगाना सीख गए हैं आप, ठीक है ना। तो दोस्तों, पहला सवाल है इसका, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 के गुणनखंड कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बहुपद कैसा है। द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है कि चारघात वाला बहुपद है कि रैखिक बहुपद है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहली अभ्यास में बताया था कि जिस बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है वह बहुपद, अगर दो घात है सबसे पहले, तो यदि एक घात वाला बहुपद है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है, और यदि जिसकी अधिकतम घात 2 है तो समझ जाएं दोस्तों वो द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? द्विघात बहुपद। और यदि जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? त्रिघात बहुपद। और आपके सिलेबस में 3 घात बहुपद तक ही सवाल आते हैं, और इतना ही है आपके सिलेबस में। तो दोस्तों, 3 घात बहुपद तक आपको सवाल सॉल्व करना सीखना है, लेकिन अभी हाल आपका है 2 घात बहुपद। आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि आपको 2 घात बहुपद सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यदि आपको सॉल्व करना है तो ये देखना है क्या यह द्विघात बहुपद जो लिखा है, तो क्या द्विघात बहुपद सही तरीके से लिखा है या नहीं। सही तरीके का अर्थ होता है दोस्तों, सबसे पहले अधिकतम घात 2 होती है, अधिकतम घात वाला पद लिखा जाता है, 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर आएगा दोस्तों आपका अचर पद। क्या आएगा दोस्तों? आपका अचर पद। फिर आएगा आपका क्या? अचर पद आएगा। जब आपको, जब इस तरीके से फिलहाल ए बहुपद आपका सही तरीके से लिखा है, लेकिन अगर आगे सवाल जब आएंगे तो ये पद आगे पीछे लिख दिए जाते हैं, तो हमें सॉल्व करने से पहले सही तरीके से लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं सॉल्व करने की क्या तरीके हैं दोस्तों। बाई स्क्वायर वाले पद के आगे यदि कोई संख्या लिखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखी है तो आपको वन मान लेना है। क्या मान लेना है? वन। फिर इस अचर पद का गुणा करना है इस वन में, यहाँ पर रफ्पर बता दे, 1 का गुणा करो 4 में, तो 4 बन जा 4। तो दोस्तों 4 आ चुके हैं। इस 4 के आपको ऐसे गुणनखंड तोड़ना है 2 भागों में, इस 4 के ऐसे गुणनखंड तोड़ना है 2 भागों में, जिनका जोड़ना, मतलब जोड़ने पर या घटाने पर आपके माइनस के 4 बन जाना चाहिए, बीच की संख्या बनना चाहिए आपकी माइनस के 4। कितने दोस्तों? 4। तो इसके तरीके हैं करने के। एक मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, 4 है, कौन से पहाड़े में 4 आते हैं? तो एक तो आपका आता है 2 के पहाड़े में आता है, और 2 बार में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 2 बार में आता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2 के पहाड़े में आता है और 2 बार में आता है। एक आता है 4 के पहाड़े में आता है और 1 बार में आता है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको माइनस के 4 बनाना है। क्या बनाना है? माइनस के 4। तो क्या 2 और 2 को जोड़ने पर 4 बन रहे हैं कि घटाने पर 4 बन रहे हैं? दोस्तों जोड़ने पर 4 बनेगा, 2 और 2 4, घटाने पर 0 हो जाएगा। तो आपकी ये कंडीशन सही है, ये आपके गुणनखंड कहलाएंगे 2 और 2। और अगर अपन इससे करके देखें, 4 और 1 को जोड़ने पर 4 बनते? नहीं बनते। घटाने पर बनना है 4? नहीं बनना है। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन आपकी गलत है, ये कंडीशन आपकी सही है।
तो जिसकी भी गुणनखंड तोड़ना है अभी हाल ही के दौर में दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं सरल तरीका है यही कि चार कौन से पहाड़े में आते हैं, दो के पहाड़े में और दो ही बार में आते हैं, तो दो के पहाड़े में और दो ही बार में आते हैं। अब यहाँ पर चिन्ह लेने की परेशानी होती है कि भैया हम कौन सा चिन्ह लें, तो हम एक कंडीशन आपको बताएं जरा पहले, यदि जब आप एक प्लस की संख्या, जैसे मान लो कि प्लस के दो हों और प्लस के चार हों, प्लस के दो हों और प्लस के चार हों, इनको जोड़ोगे तो प्लस की संख्या आएगी प्लस के छः, और यदि एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो, एक संख्या दो प्लस की है और एक माइनस की है, तो संख्या घट तो जाती है, चार में से दो तो घट जाएंगे, चिन्ह काय का आएगा, जो संख्या बड़ी रहेगी, तो बड़ी संख्या माइनस की, और यदि हो सकता है मतलब कि एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो संख्या घट तो जे, आंसर काय का आएगा यहाँ पर, जो संख्या बड़ी होती है, बात समझ रहे कि नहीं, जो संख्या बड़ी होती। अब जैसे मान लो हम इधर पर लेके थे माइनस के दो और प्लस के चार, इसका अर्थ क्या, एक संख्या प्लस की है दूसरी संख्या माइनस की, घट तो जाएगी, चिन्ह काय का आएगा प्लस के दो, ठीक है ना, एक कंडीशन आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर हमने दो ही माइनस माइनस की ले ली, क्या ले लें, दोनों माइनस माइनस के, तो भाई साहब दोनों माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती हैं, आंसर माइनस का आता है यहाँ तो, यानी कि जुड़ तो जाती हैं, जुड़ तो जाती हैं, उत्तर माइनस का आता है, माइनस का आता। दोस्तों ये चीज़ें आप अपने रजिस्टर पर नोट कर ले, क्योंकि दोस्तों यही कंडीशन लगना है यहाँ पर अब कि भैया अपन को माइनस के चार चाहिए, तो इस वाले दो को क्या लेना पड़ेगा, माइनस के चार चाहिए, जोड़ने हैं, तो आप ध्यान रखें माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो रही, आंसर माइनस का, यानी इसको भी माइनस का लेना और इसको भी, तो माइनस माइनस की संख्या जोड़ तो दो आप, आंसर लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है ना। ये चार कंडीशन है, यदि आपने ये चार कंडीशन यदि अच्छी तरीके से याद कर लिया, तो हम एक बार वो बता दे रहे हैं, थ्योरी से लिख लीजिए थोड़ा सा अपने समझने के लिए कि भैया जब दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हो तो संख्या जुड़ तो जाएगी, उत्तर प्लस का आएगा, और एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो संख्या घट जाती है, उत्तर उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, चाहे आगे की संख्या बड़ी हो चाहे पीछे की संख्या बड़ी हो, ठीक है ना, चाहे प्लस की हो बड़ी चाहे माइनस की हो बड़ी, कुल मिलाकर जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह आएगा, चाहे वो आगे लिखी हो चाहे पीछे लिखी हो। इसी तरीके से प्लस के दो है माइनस के चार, घट तो जाएगी, एक प्लस की एक माइनस की है, घट तो जे, आंसर माइनस का है। इस तरीके से एक माइनस की एक प्लस की, घट तो जे, आंसर का एक हुआ है प्लस को, क्यों, बड़ी संख्या प्लस की, जब दोनों माइनस माइनस की होती हैं तो जुड़ तो जाती हैं, आंसर माइनस का आता है, लेकिन यही बात आपको याद रखना है। तो लिखो बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर, माइनस के चार वाई को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस के दो वाई और माइनस के दो वाई प्लस के चार, दो दो के आप क्या बना लो यहाँ पर जोड़ा, क्या बना लो, दो दो के जोड़ा, क्या बना लो, दो दो के जोड़ा। इधर पर दोस्तों क्या चीज़ को बना रहे, इधर पर है बाई स्क्वायर, इधर पर है एक वाई, इधर पर है बाई स्क्वायर, इधर पर है एक वाई, तो आप एक वाई कॉमन ले लीजिए, तो एक वाई कॉमन आ गया बाई स्क्वायर से, एक वाई कॉमन आ गया तो बाई माइनस के यहाँ पर दो, बाई तो कॉमन आ गई, इधर पर दो हैं इधर पर चार हैं, कौन सा पहाड़ा कॉमन आ रहा है, दो का, ऐसी संख्या ढूंढिए इन दोनों में से कि जिस पहाड़ी से दो भी कट जाए और चार भी कट जाए, दोस्तों दो है, दो कॉमन आ गया तो क्या बचे, बाई माइनस का भाग प्लस में दो, दोस्तों सो माइनस हो जाएगा, माइनस दो का भाग चार में दो, सो चार बार, सॉरी दो बार, कितनी बार, दो बार। अब दोस्तों एक से संख्या के दोनों कोष्टकों में सवाल आपका सही जा रहा है, तो एक कोष्टक में बाई माइनस दो और दूसरे कोष्टक में बाई माइनस दो, मतलब एक जे बाई और माइनस दो जे, और बाई माइनस दो जे, इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक को ही लिखा दिया जाता है। यदि दोस्तों दोनों कोष्टक समान समान आ रहे हैं और दोस्तों दो बार लिखे एक घात जे गुणा में है, तो आप क्या कर सकते, बाई माइनस दो एक बार लिख के इस पर दो घात चढ़ा दीजिए, क्या चढ़ा दीजिए दोस्तों, दो घात बाई माइनस दो का होल स्क्वायर, ये आपका सवाल रहेगा। दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, आप यही चार पांच सवाल हम आपको समझाते हैं दोस्तों, ये चीज़ें आप उतार लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को रोक करके इतनी चीज़ आप उतार लीजिए, फिर आपको हम आगे सवाल लगवाते हैं।
तो दोस्तों हम देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। दूसरा सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 81। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसकी गुणनखंड तोड़ना है। क्या बताया था मैंने अभी, इसके आगे एक मानिए, 81 का गुणा कीजिए एक में, तो 81 एकम 81। अब आप इस 81 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना 18x बनना चाहिए और गुणनफल 81। दोस्तों आपको ये पता करना है कि 81 कौन से पहाड़े में आते हैं, 81 कौन से पहाड़े में आते हैं। तो दोस्तों 81 आते हैं आपके 9 की पहाड़ी में और 9 बार में। दोस्तों आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए ये 81 आ रहा है भाई, अच्छी बात है। अब इसी 9 और 9 को आप या तो जोड़िए या घटाइए, तो आपके 18 बनना चाहिए। तो क्या माइनस के 18 बनाना, ये संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, ये संख्या, क्योंकि दोस्तों माइनस माइनस संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का आता है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर 18x को क्या लिखेंगे, माइनस के 9x और माइनस के 9x प्लस के 81। आप दो दो के इस तरीके से जुड़ा बना लीजिए। कितनी संख्या कॉमन आ रही है इसमें से, एक्स कॉमन आ रही है क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर है, एक एक्स इधर है, एक्स कॉमन आ रही है, इधर बचेगा आपका एक्स, इधर बचेगा आपका 9। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही है, माइनस के 9। क्या दोस्तों, माइनस के नौ कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा एक्स, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस 9 इनम 81। एक सी संख्या आ चुकी दोनों कोष्टकों में, क्या दोस्तों एक सी संख्या आ चुकी दोनों कोष्टकों में, आपका सवाल सही है। तो एक कोष्टक में एक्स माइनस 9, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 9 जी वाले। दो बार लिखे हैं तो एक बार लिख करके आप 2 घात चढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों आप तीसरा सवाल देखिए, आप तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर 2x प्लस के 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, आप 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1। अब आप 1 का गुणा करिए 1 में, तो 1 एकम 1। इस 1 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनके जोड़ घटाना 2x बनना चाहिए, कितने x बनना चाहिए दोस्तों 2x। तो 1 और 1 का 1 में गुणा करो, उसे 1 आ रहा है। अब इसी 1 और 1 को अगर अपन जोड़ दें अगर, तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे आपके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, दो दो के जोड़ा बनाओ, क्या बनाओ दोस्तों, दो दो के जोड़ा। इधर से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1, इधर से क्या ले लीजिए आप 1, तो x प्लस 1 इधर पर हो जाएगा। एक सी संख्या आ गई x प्लस 1, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 जी। दो बार लिखी है एक सी संख्या, तो एक बार लिख करके 2 घात चढ़ा दीजिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या दोस्तों, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपका सवाल लग जाता है। ये आपका दोस्तों रफ कार है, जब आप सीख जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें मन ही मन में करना सीखते हैं। देखें आप मन ही मन में करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। आपकी बार इसको साफ कर दीजिए, और जिसको परेशानी है वो अपने रजिस्टर पर लिख सकता है इसको, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, चौथा क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 4, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 4, ठीक है ना। इसका आप गुणनखंड करो, 4 का गुणा करो 9 में। अब मन ही मन में लिखा लिखी का कोई काम नहीं, वो रखकर 4 9 36, क्या दोस्तों 4 9 36, 36 की ऐसी गुणनखंड तोड़िए कि जोड़ घटाना 12 बन जाए। तो आपको क्या करना है, 4 9 36, 36 कौन से पहाड़े में आता है, 36 आता है आपका, एक तो 4 के पहाड़े में आता, तो दोस्तों 9 और 4 को अगर अपन जोड़ेंगे तो 12 तो बन नहीं रहे आपके, 9 4 13 होते हैं, बनाना है 12। तो क्या करेंगे, 36 कौन से पहाड़े में,
सिक्स की टेबल में आते हैं, छः की पहाड़ी में छः ही बार में। तो इनका जब आप गुणा करेंगे तो आना चाहिए छत, शुरू से समझ लें एक बार, चार का गुणा नौ में करे आप, करा आपने कितना आया 36। इस 36 की ऐसी गुणनखंड तोड़िए कि जिसका जोड़ घटाना 12 बने और गुणनफल 36 बने। तो आपको ये पता करना है कि 36 कौन से पहाड़ी में आते हैं, 36 आते हैं आपके छः की पहाड़ी में छः ही बार में। तो छः और छः का गुणा करेंगे 36 बनना, ठीक है, छः और छः को जोड़ देंगे 12, भैया सही है आपकी हर तरीके से। तो ये सारी चीज़ आपको अपने मन में ही करना है कि 6 × 6 = 36, 6 × 6 का गुणा किया 36 और 6 × 6 को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे आपके 12, कितने हो जाएंगे 12, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 9x², अब आपको एक कंडीशन और है भाई साहब, आपको माइनस की 12 बनाना है, आपके ही प्लस की 12 बनी है, तो पहले 6 को माइनस के दूसरे 6 के भी माइनस के लेने पड़ेंगे, तब माइनस के 12 बनेंगे। तो माइनस के 6x और माइनस के 6x प्लस के 4, दो दो के क्या बनाइए दोस्तों, जोड़ा, क्या बनाइए आप, जोड़ा, दो दो के बनाइए जोड़ा। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन 9 है इधर पर 6 है, कौन सी संख्या आपकी कॉमन आ रही है, 9 कॉमन आ रहे हैं कि 6 कॉमन आ रहे हैं, क्या आ रही है 9 और 6। तो आप ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि जिसमें 9 में ही भाग चले जाए, 6 में भी चला जाए। दोस्तों 3 का पहाड़ा है आपका, इधर है x², इधर है x, तो x कॉमन ले लीजिए, 3 का भाग 9 में दीजिए से 3 बार, x² में से 1x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 1x, माइनस 3 का भाग 6 में दीजिए से 2 बार, x तो आपका कॉमन आ चुका। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही है दोस्तों आपके, इधर है 6, इधर पे है 4, दोस्तों आपके माइनस के 2 कॉमन आएंगे, क्या आएंगे माइनस के 2, तो 2 का भाग 6 में दीजिए 3 बार, माइनस का भाग प्लस में दीजिए माइनस, 2 × 2 = 4, ये आपका एक संख्या के 3x - 2, 3x - 2 एक संख्या आ चुकी है, सही है। तो 3x - 2 एक कोष्टक में, 3x - 2 दूसरे कोष्टक में, एक सी संख्या है आप 3x - 2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल करना है। अभी तो हमने इस सवाल में ये बता दिया रख कर, अब नहीं बताएंगे, अब हम मन ही मन में करेंगे, समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं पाँच नंबर का सवाल आपका क्या, अब मन ही मन में करना है आपको, देखते हैं x² क्या है, कुछ नहीं है, एक मान लिए, 9 × 1 = 9 का और 1 का गुणा करिए, 9 × 1 = 9। अब आप जी बताइए 9 × 1 = 9, 9 कौन से पहाड़ी में आते हैं, 9 और 9 कौन से पहाड़ी में आते हैं, 9 × 1 = 9, और आप उनके 9 की ऐसी गुणनखंड कीजिए जिसका योगफल या उसका घटाना आना चाहिए 6, कितना आना चाहिए 6 और गुणनफल आना चाहिए 9 ही। तो 9 का गुणा आपने 1 में किया, सो 1 × 9 करिए, सो 9 × 1 = 9। अब इस 9 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना आना चाहिए 6 और गुणनफल आना चाहिए 9 ही। दोस्तों 9 कौन से पहाड़ी में आते, 3 के पहाड़ी में आते 3 बार में, कितने में, 3 के पहाड़ी में 3 बार, इनका गुणा करें 9 और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है, करिए x² + 3x + 3x + 9, 2 के क्या बना दीजिए आप, जोड़ें, इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही, x² और x, तो दोस्तों x कॉमन आएगा, तो x + 3, इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही है 3x + 3, 3 का भाग 9 में दीजिए 3 बार। दोस्तों कॉमन लेना मैंने आपको बता दिया है कि इस 3 और 9 में से ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिस पहाड़ी से 3 भी कट जाए 9 में, 3 का पहाड़ा है, 3 कॉमन आएगा, x 3 का भाग 9 में दीजिए 3 बार, एक संख्या के दोनों कोष्टकों में सवाल सही है, x + 3 एक कोष्टक में और x + 3 दूसरे कोष्टक में, एक सी संख्या है, 2 बार लिखिए आप, 1 बार लिख करके इस पर 2 घात चढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक। अब और आगे देखिए, अब छठवां सवाल देखिए दोस्तों, आप छठवां सवाल है 9x² - 30x + 25 प्लस 25। अब दोस्तों आपको गुणनखंड तोड़ना है,
अब गुणनखंड जब आप तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे इसमें दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले 25 का गुणा 9 में करना है। कितने में दोस्तों? 25 का गुणा आप जब 9 में करेंगे तो 25 अट्ठे 225, 9 225, 225 के आप गुणनखंड तोड़िए कि 30x बन जाए। कितने x बन जाए दोस्तों? 30x। अब अभी हाल तक दोस्तों हम आपको बता दें, अभी हाल तक चल रही थी आपकी छोटी छोटी संख्याएं, कि आप मन ही मन में आप बता सकते थे कि भैया ये संख्या कौन से पहाड़े में आ रही है, कितने बार में आ रही है। अब जब इस तरीके की कंडीशन बन जाए कि बड़ी से बड़ी 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 संख्या आ जाए, आपको पता नहीं चले कि 225 कौन से पहाड़े में आते हैं, तो इसके लिए क्या है, पूरा तरीका अपनाना पड़ेगा। 225 के आपको तोड़ने पड़ेंगे गुणनखंड। कितने से काटो? 3 के पहाड़े, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से काटो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 से काटो 5 × 25, 5 × 1 = 5, ये आपका गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 225 के आपने गुणनखंड तोड़े। क्या दोस्तों? 225 के आपने गुणनखंड तोड़े, 4 भाग आ चुके। कितने भाग? 4, 1, 2, 3, 4, आपने 225 के गुणनखंड तोड़े, आपके 4 भाग आ चुके। इन 4 भागों को आपको 2 भागों में बदलना है, और ऐसे बराबर बराबर 2 भागों में बदलना है जिनका जोड़ने पर या घटाने पर माइनस के 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस के 30, और उन्हीं 2 भागों का गुणनफल आना चाहिए 225। समझने की कोशिश करें, 225 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए कि जिनका ही 2 भागों में तोड़ना है, जिनका योगफल 30 और गुणनफल 225, या तो जोड़ने पर या घटाने पर। तो हम बोल सकते 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 15 × 15, आप 15 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 225। क्या आएगा? 225। और 15 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो 30 बनाने हैं आपको माइनस की 30, तो पहली संख्या माइनस की लेना पड़ा, दूसरी संख्या माइनस की, तो कितने हो जाएंगे? 30। बस इस तरीके से आपको फिर जी लॉन्ग तरीका कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लॉन्ग तरीका। अभी तक हमने मन ही मन में सॉल्व करना आपको सिखाई थी, अब आपको जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो इस तरीके से आपको पूरी विधि सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर समझ में, गुणनखंड तोड़ना है और बकाया करने का तरीका वही है, ठीक है ना दोस्तों? अब हम चलते हैं आगे। 9x² + 30x को आप क्या लिख सकते हैं? 15x - 15x + 25, 2 के आप क्या बना दीजिए? जोड़े। इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी? इधर पर 9 है, इधर पर 15 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिसमें 9 भी कट जाए उससे 15 भी, तो कितने का पकड़ा है? 3 का पकड़ा। इधर x² है, इधर 1x है, तो आप 1x कॉमन ले लीजिए, 1x कॉमन ले लीजिए, 3 का भाग 9 में दीजिए 3 बार, x² में से 1x निकलेगा उससे 1x माइनस, 3 का भाग 15 में दीजिए 3 × 5 = 15, 5 बार। अब इधर 15 है, इधर 25 है, आप ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि उससे 15 भी कट जाए 25 भी, दोस्तों 5 है, कितने हैं? 5, 5 का भाग 15 में दीजिए 3 बार x, माइनस का भाग प्लस में दीजिए माइनस, 5 × 5 = 25, 3x - 5, 3x - 5, 3x - 5 एक कोष्टक में और 3x - 5 दूसरे कोष्टक में, 3x - 5 दूसरे कोष्टक में। अब दोस्तों क्या है, अलग एक सी संख्या है, अलग अलग कोष्टक है, तो 3x - 5² ये आपका आंसर कहलाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको करना है, ठीक है ना? तो आपके 6 सवाल लग चुके हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं 7वें नंबर का सवाल। 7वें नंबर के सवाल में दोस्तों आपको क्या करना है, कि अब यहाँ से हमें पता तो चल नहीं रहा है कि क्या है, तो सबसे पहले इधर x² है, इधर x³ है, इधर x² है, तो आप सबसे पहले x² कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों? x² आप कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन ले लीजिए, तो 9x² - 6x³ में से x² निकलेगा तो 1x प्लस बी, x² कॉमन आ गया, क्या बचा आपका? b² है। क्या बचा दोस्तों आपका? b² बचा। क्या बचा आपका? b² बचा। अब आपको इसका
गुणनखंड करना है, क्या करना, इसके गुणनखंड करना। तो क्या से करेंगे हम, इसके आए कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, एक का गुणा नौ में करिए, सो नौ एक कम नौ, नौ की ऐसी गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना छः एक्स भी बन जाए, कितने बन जाए दोस्तों, छः एक्स भी, तो नौ एक्स स्क्वायर। तो नौ कौन से पहाड़ी में आते हैं, तीन के पहाड़ी में और तीन ही बार में, इनका इनका गुणा करेंगे नौ और इनका इनका आप जोड़ेंगे तो कितने माइनस के छः, माइनस माइनस संख्या लेनी पड़ेगी, तो माइनस के तीन एक्स भी, माइनस के तीन एक्स भी, प्लस के भी, ठीक है ना। इधर से दो दो की क्या बना लीजिए आप, जोड़ा, क्या बना लीजिए आप, जोड़े, क्या बना लीजिए, जोड़े। इधर से क्या संख्या कॉमन आएगी, इधर पर नौ है, इधर पर तीन है दोस्तों, तीन कॉमन आएंगे, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आएंगे, तीन का भाग नौ में दीजिए तीन बार, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचा, एक्स माइनस तीन एक्स आपके कॉमन आ चुकी, क्या बचा यहाँ पर, बी। अब इधर से क्या चीज़ कॉमन आएगी, माइनस के बी कॉमन आएंगे, क्या आएंगे दोस्तों, माइनस के बी, माइनस के बी कॉमन आएंगे तो इधर क्या बचेगा आपका, थ्री एक्स, क्योंकि बी तो आपके कॉमन आ गए, माइनस का भाग प्लस में देंगे सो माइनस, बी स्क्वायर में से बी कॉमन आगे क्या बचा, एक बी, ए आपका गुणनखंड हो चुकी। अब एक्स स्क्वायर ए आपके चलते ही रहेंगे, एक कोष्टक में जी आपकी सी एक्स की संख्या आ गई, तो एक कोष्टक में थ्री एक्स माइनस बी और दूसरे कोष्टक में थ्री एक्स माइनस बी जी चलेंगे, थ्री एक्स माइनस बी दो बार लिखे हैं, एक बार लिख करके दो घात चढ़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस के बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना था, ठीक। अब हम देखते हैं आगे, सात है, अब आपको करना आठवां सवाल, आठवां सवाल है आपका एक्स स्क्वायर चौदह एक्स प्लस उनचास, चौदह एक्स प्लस उनचास। अब आपको क्या करना है, इसके कुछ नहीं है, एक मानिए, उनचास एकम उनचास, क्या दोस्तों, उनचास एकम उनचास, उनचास का गुणा एक में करिए, उनचास एकम उनचास, उनचास की ऐसी गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना चौदह बन जाए, क्या बन जाए दोस्तों, चौदह, तो चौदह बन जाएगा तो क्या होगा आपका, हम नहीं मैं करने रहा, उनचास कौन से पहाड़ी में आते हैं, सात के पहाड़ी में, कितनी बार में, सात के पहाड़ी में और सात ही बार में, सात सत्ते उनचास, सात और सात, सात सात जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, चौदह और सात सत्ते उनचास, तो दोस्तों चौदह उनचास की ऐसे गुणनखंड करो कि चौदह बन जाए, तो सात एक्स और सात एक्स, चौदह एक्स हो गए और इन्हीं इन्हीं का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, उनचास, दो दो की आपकी जोड़ा बन चुकी है। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही है, एक्स, तो एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस सात, इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही है, सात, क्यों, सात और उनचास, सात ही का पहाड़ है तो उसे सात भी कर दिया, उनचास भी कर दिया, एक्स सात सत्ते उनचास, तो एक्स प्लस सात दूसरे कोष्टक में, एक्स प्लस सात एक सी संख्या है दोनों कोष्टकों में, एक बार लिख करके दो घात चढ़ा दीजिए, एक्स प्लस सात का होल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं नौ नंबर का सवाल, नौ नंबर का सवाल इधर देखिए दोस्तों, इधर पर, तो दोस्तों क्या है आपका सवाल, पूरे आपको इसी तरीके से लगाना है, क्या करना है दोस्तों, सवाल पूरे आपको इसी तरीके से लगाना है, बस थोड़ा दिमाग में रखते जाइए, हर एक चीज़ आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस इक्यासी, एक्स स्क्वायर प्लस इक्यासी प्लस अठारह एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस इक्यासी प्लस अठारह एक्स, इसको आपको गुणनखंड तोड़ना है। तो क्या करेंगे, हमने जब भी शुरू की थी अभ्यास तब हमने बताया था कि भैया यदि सवाल द्विघात बहुपद सही तरीके से लिखा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो उसको लिखना पड़ेगा। देखो वही कंडीशन आ चुकी है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर इक्यासी फिर अठारह एक्स, तो सबसे पहले बड़ी घात एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटी घात एक घात, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे अचर पद, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो एक मानो, इक्यासी का गुणा करो एक में,
81 एकम 81, 81 कौन सी पहाड़ी में आते हैं? नौ की पहाड़ी में। नौ की पहाड़ी कितनी बार है? नौ ही बार में, नौ ही नम 81। अब हमें 81 को ऐसे भागन में तोड़ना है कि जिनका जोड़ने में पर या घटाने पर 18 बन जाए। तो 9 * 81, 9 और 9 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 9x प्लस के 81, दो दो के आप जोड़ा बना दीजिए। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही? x, तो x प्लस 9। इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही? 9। तो x प्लस 9 * 81, एक संख्या के दोनों कोष्टकों में, तो x प्लस 9 और दूसरे कोष्टक में भी x प्लस 9। जी x प्लस एक संख्या है दोनों कोष्टकों में, तो एक बार लिख करके दो घात चढ़ा दीजिए, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीके हैं। यदि आप एक दो सवाल, तीन सवाल थोड़े दिमाग पर रख लेंगे, आपके सारे सवाल सॉल्व होते जाएंगे उसी विधि से, उसी तरीके से। बस एक सवाल समझने की आपको ज़रूरत है बस। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों हम देखते हैं, दसवीं नंबर का सवाल है आपका, निम्नलिखित बहुपदों की गुणनखंड कीजिए। और दसवें सवाल में क्या करना है आपको कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2 प्लस में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी प्लस के ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम समझें, इस पूरे को मान लीजिए x, क्या मान लीजिए? x। वह जो माइनस वाला पद है उसको मान लीजिए क्या? y। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, माना a प्लस बी प्लस सी बराबर x, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर x। दूसरा a माइनस बी माइनस सी बराबर क्या है? y। a प्लस बी प्लस सी बराबर x, a माइनस बी माइनस सी बराबर y, इसको हमने मान लिया। अब जो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर आप x रख दीजिए, a माइनस बी माइनस सी की जगह पर आप y रख दीजिए यहाँ पर, तो x का होल स्क्वायर प्लस के 2x इंटू y प्लस के y का होल स्क्वायर। तो इसको जो अपना फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसको मानो a, तो क्या मानो दोस्तों इसको? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर बन रहा कि नहीं? a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा, तो आप लिख सकते इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब x और b का मतलब y। ठीक, इधर पर अब आप x और y के मान रख दीजिए। x का मान क्या है दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी, और y का मान क्या है? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। दोस्तों b से b कट गए, c से c कट गए, का बचा a की, और a की कितने आ गए दोस्तों आपके? 2a। कितने आ गए आपके? 2a। 2a यानी कि 2a का होल स्क्वायर। अब 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका? 4। और a का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका? a स्क्वायर। तो आपका रहेगा 4a स्क्वायर आंसर। क्या रहेगा दोस्तों? 4a स्क्वायर आंसर। दोस्तों यदि हम इसको a प्लस बी प्लस सी बराबर में x और a माइनस बी माइनस सी बराबर y यदि नहीं मानते हैं तब भी आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप ऐसे मान लेते हैं तो आपको थोड़ा सरल लगेगा देखने में, क्योंकि सरल संख्याएं हैं आपके सामने। ठीक है ना? अब आपका 11 नंबर का सवाल है। क्या दोस्तों? अब आपका 11 नंबर का सवाल है, एक सौ इक्कीस एक्स। अब भी कह रहा है गुणनखंड ही करना है, प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 14 तक। तो 11 में सवाल है आपका, 121 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 110 एक्स बाई ए बी प्लस में 25 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसका हमें करना है, तो अब हम दोस्तों इसमें एक फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वैसे गुणनखंड करना है कि 25 का गुणा पहले 121 में कीजिए फिर गुणनखंड तोड़िए, तो वैसा भी हो जाएगा। लेकिन इसको हमें अब इसमें फॉर्मूला दिख रहा है कैसा, 121 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखी, 121 को हम लिख सकते 11 का स्क्वायर। कितने का? 11 का स्क्वायर। वो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है ही,
ठीक है ना। और अभी हम 110 को थोड़ी बाद में लिखेंगे, पहले इसको तोड़ लें। जी आपका 2ab का मान होगा, काय का होगा दोस्तों, 2ab का मान होगा जी। तो आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब दोस्तों ये अलग अलग घात चढ़ी हैं, आप इसको एक बार में लिख सकते हैं, जैसे 11xy का होल स्क्वायर। मैंने बताया था यदि ये अलग अलग घात चढ़ी हों तो आप एक बार में लिख करके दो घात चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीका से इसको कर दीजिए, अलग अलग घात चढ़ी हैं एक बार में, 5ab का होल स्क्वायर, 5ab का होल स्क्वायर। इसको मानो आप a, इसको मानो आप b, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या फिर ऐसा मान लें ए आपका a का मान है, a आपका b का मान, तो ए स्क्वायर। अब 110xyab को तोड़ के लिखो, ए स्क्वायर प्लस 2a, a का मान है आपका क्या, 11xy। क्या है दोस्तों, 11xy। b का मान कितना है, 5ab, कितने हैं, 5ab। इसका अर्थ है दोस्तों हमने 110 को इस तरीके से तोड़ के लिख दिया, और ये प्लस, ये प्लस के आपके पास 5ab का होल स्क्वायर ए आपका है ही, तो ए आपका ए का मान है, ए आपका बी का मान। अब आप इनका गुणा करके देखिए, 11 दूनी 22, 22 पंचे 110, और एक्स वाई ए हैं तो जे हम, ए बी जे हैं तो जे हम, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ए आपका फॉर्मूला बन चुका, काय का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ए का मान क्या है आपका, 11xy, और बी का मान कितना है, 5ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सवाल करना है कि जो तोड़ के लिखना, ये बीच का 2ab का मान रहेगा और जे आपके क्या है, a और b के मान हैं, ठीक। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल लगाना था ही। अब हम आगे देखते हैं, अब दोस्तों आपका 12 नंबर का सवाल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस दो का अंदर गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इधर पर करेंगे, फिर इधर पर करेंगे, फिर इधर पर करेंगे, सो माइनस के 2yz माइनस के 2zx। देखो यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो क्या का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए कोई संख्या, कितने माइनस के 2 और जेड भी कॉमन आ रहा है, माइनस के 2 और जेड भी कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा, वाई प्लस एक्स। दोस्तों अब इधर बचाए आप एक्स प्लस वाई मान लीजिए, और जब वाई प्लस एक्स, आपका बात बराबर रहेगी ये। अब यहाँ से देखिए आप, इधर से क्या संख्या कॉमन आ रही है आपकी, इधर से आपकी संख्या कॉमन आ रही है x प्लस वाई, क्योंकि इधर पर x प्लस वाई कितने हैं, 2, इधर पर x प्लस वाई कितने हैं, 1, तो x प्लस वाई ये कॉमन आ गई है, तो क्या बचा यहाँ पर, x प्लस वाई, और माइनस के इधर बचा 2z, ये आपका आंसर है। तो इधर से इधर तक आपका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इधर से माइनस के 2z आप कॉमन ले लीजिए, सो वाई प्लस एक्स आपके कॉमन आ गए, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई आपने कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई माइनस के 2z, और जी एक्स प्लस वाई आपके बाहर निकल चुके हैं, ठीक। इस तरीके से आपको लगाना है। 13 नंबर का सवाल देखिए,
तेरह नंबर का सवाल है आपका, 6x4 माइनस 24x3 y3 प्लस 24 y6x2 जी है। अब दोस्तों क्या ये कहीं फॉर्मूला बनने की कोशिश हो रही है इसमें, मतलब संभावना चल रही? तो ना जे किसी का वर्ग होता ना जे होता, समझे ना। तो आप यहाँ ऐसा करिए कि 6 24 और 24 दोस्तों 6 कॉमन ले लीजिए सबसे पहले तीनों में से। इधर पर x4 है, इधर x3 है, इधर x2 है, तो आप x2 कॉमन ले लीजिए, तो 6 कॉमन आ गया आपकी x4 में से, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचे इधर पर एक्स स्क्वायर, माइनस 6 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार 4 बार, 6 चौके 24, x3 है तो एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचे इधर पर एक्स, y2 इधर पर कितने बचे 3, 6 का भाग आप 24 में देंगे तो 6 चौके 24, y6 होंगे आपके इधर पर, एक्स स्क्वायर थे जो बाहर निकल गए, ठीक। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आप इधर पर अब इसके द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करिए। तो कैसे करेंगे आप द्विघात समीकरण को सॉल्व? 4 1 4, 4 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए, या फिर आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला ही बन रहा होगा। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को लिखिए एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या मानिए 4y6 है तो आप इधर पर लिख सकते हैं इसको 2y3 का होल स्क्वायर, इस तरीके। जे आपका b का मान रहेगा, जे b का मान है, जे a का मान, ए स्क्वायर माइनस के 2 a और b, b का मान है 2y3, इसका गुणा करिए कि जी क्या ये 4x3 बन रहा है कि नहीं। हाँ भैया, 2 2 4 और 1x3, तो 4x3 का पन्ने जो तोड़ करके जी लिख दिया है इस तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे जी आपका फॉर्मूला बन चुका है, तो 6x2 जो कहते हो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b, b का मान क्या है 2y3 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। 6x2 और x माइनस 2y3 का होल स्क्वायर आपका ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। सिर्फ हमें ये देखना है कि पहले गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, गुणनखंड नहीं हो रहे तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए, और फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं लेनी पड़ेगी। कॉमन हमें कैसे पता चला कि कॉमन लेना, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये 6 किसी का वर्ग होता ना 24 किसी का वर्ग होता, जब हम इसमें से तीनों में देखते कौन संख्या कॉमन आ रही, 6x2 कॉमन आ रही, तो भैया अपने जो x2 का वर्ग अपन लिख सकते 4y6 का भी, इसको अपन स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप 14 नंबर का सवाल लगाइए, 14 नंबर का सवाल है आपका, 14 नंबर का सवाल है 4r² s² माइनस 12pqrs प्लस 9p² q². अब आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, 4 को आप लिख सकते 2 2, इन सब को क्या लिख सकते 4rs का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते 3pq का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ए आपका a का मान रहेगा, ए आपका b का मान, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और b। अब इनका गुणा करके देखिए कि अब 12pqrs बन रहा, 2 2 4 4 3 12, ठीक है, pq इधर है, rs इधर है तो rs इधर है, तो भैया हमने 12pqrs को इस तरीके से तोड़ करके लिख दिया जी, तो भैया कि इस तरीके से लिख सकते हैं अपन लोग। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b और प्लस के बी स्क्वायर, तो ए आपका फॉर्मूला रहेगा 2rs a माइनस b, b क्या है 3pq का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का आपका ये फॉर्मूला बन चुका है दोस्तों। ए की
ए किसको माना आपने, 2RS को, बी किसको माना आपने, 3PQ को, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये आपका फॉर्मूला है। अब दोस्तों हमें लगाना है आपके 15 नंबर का। दोस्तों हम देखते हैं 15 नंबर का सवाल। उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड करो। दोस्तों अभी तक क्या चल रहा था कि अगर फॉर्मूला बन रहा था तो हम फॉर्मूला कर रहे थे, गुणनखंड हो रहे थे तो गुणनखंड से, लेकिन अब गुणनखंड नहीं करना, अब हमें सर्व समीका ही बनाना है। सर्व समीका का अर्थ है दोस्तों फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बन जाए, तो हमें वही फॉर्मूला बनाना है। अब फॉर्मूला ही बनाना है, गुणनखंड नहीं करना है, ध्यान रखना, मतलब वैसे नहीं करना है तुम्हें। तो 9x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और y स्क्वायर को क्या लिख सकते, y का होल स्क्वायर, ये तो है ही अपना। तो a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर, जी काय का मान हो सकता है 2ab का, तो a स्क्वायर प्लस 2a और b, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन चुका है। इसी तरीके से दोस्तों इसको बनाना है आपको, 4y स्क्वायर लिखे हैं, 4y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों यदि आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो हम बता दें आपको, 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की घात 2, y की घात 2 तो है, अलग अलग घात चढ़ी है, हम इसको सीधा एक बार में लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो ए स्क्वायर, एक को आप क्या लिख सकते हैं, एक पर तुम अपने मन से 2 घात चढ़ा सकते, एक पर कितने घात चढ़ा दो इसका अर्थ यही होता है, ए स्क्वायर माइनस के 2 ए, ए का मान क्या है 2y, बी, बी का मान क्या है 1, इसको मानो ए इसको मानो बी, अब क्या इनका गुणा करने पर 4y बना, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4y, हाँ दोस्तों बनना है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल लगाना है। दोस्तों इसी सवाल पर आपकी एक्सरसाइज 2F कंप्लीट होती है। कौन दोस्तों, एक्सरसाइज 2F आपकी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको ये अभ्यास समझ में आई है कि नहीं आई। दोस्तों यदि आपको हमारी पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, अभ्यास अच्छे से समझ में आई हो, दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की परिभाषा कर दी सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम की परिभाषा सागर के साथ।